हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ पटेल दीक्षिता फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय किला पाड़ी। फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 15, सम नेचुरल फिनोमेना। फ्रेंड्स, इन दिस यूनिट वी आर डिस्कस अबाउट लाइटिंग एंड द स्पार्क्स दैट दे न्यू अबाउट, एंड वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट चार्जिंग बाय रबिंग। In this topic, we are discuss about some charged object like refill, balloon, and I give some homework. So today we are move to the next topic. It is types of charges and their interaction. So friends, types of charges means charges के types कौन-कौन से होते हैं? Okay. So let's start about it. We will select some object from table 15.1 for the next activity. So, हमें क्या करना है? Table number 15.1 means हमने इस table में जो object के लिए discuss किया था, तो उसमें से कुछ object लेने हैं. So, activity 15.3 inflate two balloons. हमें क्या करना है? Two balloons लेने हैं. Hang them in such a way that they do not touch each other. So, look at here. We have two balloons and hang them. Okay, उनको इस तरह से hang करना है कि वो एक दूसरे से touch ना हो. Rub both the balloons with a woolen cloth and release them. What do you observe? So, हमें क्या करना है? दोनों बलून्स को वुलन क्लोथ से रब करना है एंड देन छोड़ देना है. सो फ्रेंड्स, जो बलून हमने इस तरह से हैंग किए थे, तो उस बलून्स का क्या हो जाएगा है? वो एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होंगे, एक दूसरे के पास नहीं आएंगे. ओके, तो उनकी पोजीशन इस टाइप की होगी. नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी विद द यूज pan refills. Rub one refill with polythene. Place it carefully in a glass tumbler using the tumbler as a stand. Look at here, figure number 15.2. So, हमें क्या करना है? Yes, एक refill लेनी है pan से and उसे polythene से rub करके इस तरह से glass tumbler में रख देना है. Rub the other refill also with polythene. Bring it close to the charged refill. Be careful to not touch the charged end with your hand. Is there any effect on the refill hands in the tumbler? So, do the two attract each other or repel each other? So, friends, हमें क्या करना है? एक रिफिल लेनी है पेन की एंड उसे चार्ज करना है. देन सेकंड रिफिल लेनी है, उसे भी क्या करना है? चार्ज करना है. सो फ्रेंड्स, लुक एट हियर, इट इज चार्ज रिफिल एंड देन सेकंड में क्या करती हूँ? एक दूसरी रिफिल को जिसे मैंने चार्ज किया है उसे उसके पास रखती हूँ. सो फ्रेंड्स, लुक एट हियर, मैं जैसे जैसे उसे एक रिफिल को दूसरी रिफिल के पास ले जा रही हूं, वो क्या हो रही है? यस, इट्स रिपेल ईच अदर. इन दिस एक्टिविटी वी हैव ब्रॉट क्लोज टुगेदर द चार्ज ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल. व्हाट हैपेंस इफ टू चार्ज ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर? लेट्स फाइंड आउट. Rub the refill and place it gently in a glass tumbler as before. Bring an inflated charged balloon near the refill and observe. So, unlike, इससे हमें क्या पता चलता है? Yes, जो other objects से बने दोनों ऑब्जेक्ट्स मीन्स एक जिस ऑब्जेक्ट से बना है वो मटेरियल से दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बना हो, तो
क्या होगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे? नो, इट्स अट्रैक्ट इच अदर, ओके, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर. लेट्स समराइज द ऑब्जर्वेशन. सो फ्रेंड्स, अ चार्ज बलून रिपेयर्ड अ चार्ज बलून. अ चार्ज रिफिल रिपेयर्ड अ चार्ज रिफिल. But a charge balloon attracted a charge refill. Does it indicate that the charge on the balloon is on different kind from the charge on refill? Can we say that there are two kind of charges? So friends, first हमने क्या किया? Yes, first हमने देखा कि दोनों बलून्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, देन टू रिफिल्स भी एक दूसरे को रिपेल करती है, बट एक बलून एंड एक रिफिल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ओके, सो इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टू टाइप्स के चार्जेस हैं. कैन वी ऑल्सो से दैट चार्जेस ऑफ द सेम काइंड रिपेल इच अदर व्हाइल चार्जेस ऑफ डिफरेंट काइंड अट्रैक्ट इच अदर. सो जिसे हम कह सकते हैं कि एक ही मटेरियल के दोनों ऑब्जेक्ट बने हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि दोनों अलग अलग मटेरियल से बने हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इट इज अ कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड विद सिल्क एज पॉजिटिव, द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव. सो चार्जेस टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव. इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन अ चार्ज्ड ग्लास रॉड इज ब्राउट नियर अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रो रब्ड विथ पॉलीथीन देर इज अट्रैक्शन बिटवीन द टू. व्हाट डू यू थिंक वुड बी काइंड ऑफ चार्ज ऑन द प्लास्टिक स्ट्रो? योर गेस दैट द प्लास्टिक स्ट्रो वुड कैरी अ नेगेटिव चार्ज इज करेक्ट. सो ये प्लास्टिक स्ट्रो जो है जिसे हमने पॉलीथीन से रब किया है तो उसमें क्या होगा? नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा. द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टेडी, दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स. व्हेन चार्ज मूव दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट. द यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट सिंस क्लास सिक्स. The current in a circuit which make a bulb glow or the current that make a wire hot is nothing but a motion of charges. So, what is charges? Okay, so charges के types कितने types के होते हैं? Two types के. First one is positive charges and second one is negative charges. So, जब हमने class 6 में study किया था current electric करंट के बारे में, तो इलेक्ट्रिक करंट जब हम सर्किट में से पास करते हैं तो बल्ब क्या होता है? ग्लो होता है. एंड इलेक्ट्रिक करंट हीट प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से वायर हॉट हो जाता है. ओके, सो ये कुछ भी नहीं है, ये मोशन है. किसका मोशन? चार्जेस का. ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज ट्रांसफर ऑफ चार्ज. सो फ्रेंड्स, चार्जेस किस तरह से ट्रांसफर होते हैं? ओके, हमने चार्जेस के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया. चार्जेस हैव टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव. बट नाउ टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द ट्रांसफर ऑफ चार्जेस. एक्टिविटी 15.4. टेक एन एम्प्टी जैम बॉटल, टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन साइज देन द माउथ ऑफ द बॉटल. पर्स अ होल इन इट सो दैट अ मेटल पेपर clip can be inserted. Open out the paper clip as shown in figure number 15.4. So friends, हमें क्या करना है? एक जैम बॉटल लेनी है. ओके, इस तरह से. एंड देन एक कार्डबोर्ड का पेपर लेना है जिसका साइज ये जैम की बॉटल से थोड़ा बड़ा हो. सेंटर में होल करना है. एंड देन कट टू स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल अबाउट 4 cm इंटू 1 cm ईच. हैंग देम ऑन द पेपर स्लिप क्लिप एज शोन.
Insert the paper clip in the cardboard lid so that is perpendicular to it. Charge, refill and touch it. So, हमें क्या करना है? दो aluminium foil लेनी है and उसे hang करना है यहाँ पे. Okay, 4 cm long and 1 cm उसकी width हो, उस तरह से लेना है and उसे hang करना है center में. Okay, then क्या करना है? एक refill charge करके उसे touch करना है with the end of a paper clip. Observe what happens if there any effect on the foil strips. So friends, इसे जब हम टच करेंगे तो यहाँ पे रिफिल से यहाँ पे टच करेंगे तो इस फाइल पे कोई चेंज होता है? Do they repel each other or attract each other? फाइल एक दूसरे को रिपेल करती है या फिर अट्रैक्ट करती है? Now touch other charges bodies with the end of the paper clip. Do foil strips behave in the same way in all cases? Can this apparatus be used to detect whether a body is charged or not? Can you explain why the foil strips repel each other? So friends, हमने जब रिफिल को चार्ज किया एंड इस पेपर टिप के रखा तो क्या होता है कि एल्यूमिनियम की जो फॉइल है तो वो दोनों फॉइल एक दूसरे को क्या करेगी? रेपेल करेगी. लुक एट हियर, एक दूसरे को क्या करेगी? रेपेल करेगी. तो इस तरह से आपको अलग अलग रिफिल की जगह अलग अलग मटेरियल से क्या करना है? पेपर को टच करना है जिससे आपको एल्यूमिनियम फॉइल में क्या मूवमेंट दिखती है वो आपको नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है. द एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप. रिमेंबर दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वी ऑल नो दैट मोस्टली ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो द स्ट्रिप कैरिंग सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड दे बिकम वाइड ओपन. सच अ डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट. दिस डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप. सो फ्रेंड्स, ऐसी डिवाइस जिससे कि किसी भी बॉडी में किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज है या नहीं, चार्ज कैरी हो रहा है कि नहीं, ये यूज टेस्ट करने के लिए किसका यूज होता है? इलेक्ट्रोस्कोप का. प्लीज अंडरलाइन दैट इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स. Thus, find that electrical charge can be transferred from a charged object to another through a metal conductor. Touch the end of the paper clip gently with hand and you will find a change in the foil strip. They come back to their original state. Repeat charging a foil strip and touching the paper clip. Every time you will find that the foil strips collapse as soon as you touch the paper clip with hand. Why does it happen? The reason is that the foil strip lost charge to the earth through your body. We say that the foil strips are discharged. The processing to transferring to charge from a charged object to the earth is called earthing. So, आप सबने देखा भी होगा कि आपके घर पे किसी भी चीज को चार्ज करने के लिए उसे क्या करते हैं? अर्थिंग किया जाता है. अर्थ से उसे कनेक्ट करके उसे चार्ज किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? अर्थिंग. एंड किसी भी फॉइल स्ट्रिप में अगर चार्जिंग ना हो तो उसे क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज. ओके, क्लियर दैट? सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक. एंड Earthing is provided in buildings to protect us from electrical shocks due to any leakage of electrical current. So, electrical current से हमें बचाने के लिए buildings में earthing provide किया जाता है. Okay, जिससे कि हम charge हो सके. Okay, so friends, I hope you understand
types of charges and transfer of charges. And in the next lecture, we are discuss about the next topic. It is the story of lightning. Thank you.